हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के बारे में दिन रात सोच रहे हैं, जिनका ख्याल आपको दिन रात आता रहता है, उस पर्सन के मन में आपको लेकर दिन रात किस तरह के थॉट्स आते हैं, क्या वो सोचते भी हैं दिन रात आपको लेकर, आपके साथ को लेकर, तो वही चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, बस आपको इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस दौरान पे आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आखिर इनके मन में दिन रात आपको लेकर, आपके साथ को लेकर क्या चलता रहता है। बावजूद उसके ऐसा लग रहा है नहीं, मेरे पर्सन की ऐसी एनर्जी नहीं है, ऐसा वो कुछ सोच नहीं रहे हैं, तो ऐसा ही होगा। लेकिन बेकार के कमेंट्स आपको नहीं करने हैं, ये भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं और जान लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए जिनके बारे में व्यूअर्स दिन रात सोच रहे हैं, उनका क्या सोचना है व्यूअर्स को लेकर दिन रात। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए एग्जिस्टेंस, लेट गो, कंडीशनिंग, द सोर्स, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स जिनके बारे में व्यूअर्स दिन रात सोच रहे हैं, उनका क्या सोचना है व्यूअर्स को लेकर दिन रात। गाइड कीजिए, स्ट्रेस एंड ओवरऑल एनर्जी है ब्रेक थ्रू। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन का क्या सोचना है दिन रात व्यूअर्स को लेकर। गाइड कीजिए, कंफ्यूजन, इम्पेशेंस, कंपल्सेंसी, मिरेकल, विक्टिम एंड ओवरऑल एनर्जी है इम्पास। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एनर्जीज डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पे जो मेजॉरिटी लेवल पे एनर्जी है वो है आपकी एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह एंड धनु राशि की, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, ये आपकी जमनाई की एनर्जी हो गई, ये आपकी कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हो गई है, और ये आपकी लिब्रा की एनर्जी है। तो मेजॉरिटी लेवल पे ये एनर्जीज हैं। हालांकि अभी कार्ड्स और क्लैरिफिकेशंस के लिए निकाले जाएंगे तो वापस से डिस्कस करा जाएगा कि कौन कौन सी यहाँ पर एनर्जीज हैं। सवाल पर आते हैं कि जिनके बारे में आप दिन रात सोच रहे हैं, उनका क्या सोचना है दिन रात। देखो, बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी क्लियर हैं कि ये पर्सन काफ़ी अब स्ट्रेस में रहते हैं, यानी कि मन में इनके कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं जो इन्हें डिस्टर्ब कर जाती हैं, जो इन्हें कंफ्यूज्ड कर जाती हैं, जो इन्हें बेचैन कर जाती हैं, जो इन्हें ऐसा एहसास दिला जाती हैं कि अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खो चुके हैं। इन्होंने बहुत सारे रास्ते ऐसे बंद कर दिए हैं जिसे इन्हें नहीं बंद करना चाहिए था, और इनके मन में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं कि इन्हीं रीज़न की वजह से अल्टीमेटली ये स्टक होकर रह गए हैं। ये एक वक्त पे उन लोगों की तरह बनने की कोशिश कर रहे थे जो एक्चुअली में कभी इनके जैसा बनना चाह रहे थे, या ये कह सकते हो कि जिनका इनके साथ कोई मेल नहीं था, ये उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, या उनकी तरफ अपना झुकाव ये ज़्यादा दे रहे थे, या उनकी तरफ इनका झुकाव ज़्यादा हो रहा था। लेकिन अब इनके मन में ना दिन रात ये चीज़ें चलती रहती हैं कि अल्टीमेटली इन्हीं रीज़न की वजह से ये पर्सन ना स्ट्रेस लेते रहते हैं, वो मुझे यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। मुझे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे ये पर्सन ना पॉजिटिव होने की कोशिश तो करते हैं, हद से ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, या अपने आप को पॉजिटिव रखने की जितनी कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा ये पर्सन कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। एज एन या तो कोई और इन्हें कंफ्यूज्ड कर देता है या कर देती है, या खुद ये कंफ्यूजन के बादलों के बीच में घिर जाते हैं, तो वो भी यहाँ पर काफ़ी क्लियरली है। यानी कि ये पर्सन अब अपनी लाइफ को लेकर 1% भी पॉजिटिव नहीं रह पा रहे हैं, और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा घुटन जैसी फील भी करते हैं। ठीक है,
मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है काफी क्लियरली कि बेसिकली इस पर्सन को कुछ चीजों को लेट गो करना होगा, कुछ ऐसी बातें इन्हें परेशान कर रही हैं जो ये लेट गो भी नहीं कर पा रहे हैं और इन्हें बेचैन भी कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर ये काफी क्लियरली एज अ गाइडेंस इस पर्सन के लिए कि अगर इन्होंने कुछ बातों को लेट गो नहीं करा तो ये अपनी जिंदगी ऐसे ही स्टकनेस में रहकर ही खराब कर देंगे, तो वो भी यहाँ पर काफी क्लियरली मुझे दिख रहा है। ठीक है, इस वक्त में डेफिनेटली ये पर्सन एक ऐसी सोच में है अपने आप को लेकर कि ये विक्टिम है, कि इनके साथ जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, इनके साथ जिसने जो भी करा वो गलत करा। तो यहाँ पर ये काफ़ी क्लियरली है कि आपके पर्सन देखो नेगेटिव बहुत हो रहे हैं, दिन रात इनके मन में ये चीज़ें चलती हैं कि मेरे साथ ही अत्याचार हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा इनका सोचना है, अपनी ज़िंदगी में बस मिरेकल्स का ही ये वेट कर रहे हैं। हो सकता है उससे रिलेटेड कोई ना कोई टेक्निक भी यूज़ कर रहे हो, सोर्सेज भी इकट्ठे कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर ये भी काफ़ी क्लियरली है कि जितनी भी कोशिशें इनकी हैं अपनी लाइफ में मिरेकल्स को लेकर, वो इनकी लाइफ में किसी भी तरह के मिरेकल्स को दे नहीं रही हैं। जिस चीज़ का भी स्ट्रेस इनके सर में हर वक्त रहता है, इनके कंधों पर हर वक्त रहता है, तो ये भी है। यहाँ पर मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बेसिकली इस पर्सन के मन में ये चीज़ें दिन रात बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में आए हुए ग्रोथ को, अपनी ज़िंदगी में आए हुए सक्सेस को इन्होंने खुद से बंद कर दिया है, तो वो चीज़ें भी इनके मन में चलती हैं। एज एन कि एक होता है ना इंसान को कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, मेरे साथ जिसने भी जो भी करा गलत करा, तो ऐसी सोच मुझे इस पर्सन की काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, और इसी रीज़न की वजह से देखो ये पर्सन ना अपनी तरफ से एक्शंस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनका ये ज़्यादा सोचना है कि भाई मेरे साथ ही गलत हुआ है, मेरे साथ ही गलत हो रहा है, मैं विक्टिम हूँ यहाँ पे। जैसे कि आपको तो ये लग रहा है एक पॉइंट पर कि भाई मैं विक्टिम हूँ, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन की भी अपने आप को लेकर यही सोच है कि मैं हूँ विक्टिम। ठीक है, कुछ लोगों के केस में यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के बीच में किसी तरह की कंडीशंस रखी गई थी इस पर्सन के माध्यम से या इस पर्सन की तरफ से, जो बेसिकली आपके लिए मानना एक्सेप्ट करना नामुमकिन हो गया था, या आपका ना मानना उसके लिए वही बेहतर था। लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है कि आपने तो उस कंडीशन को माना नहीं, लेकिन वो कंडीशन इस पर्सन पर ही आकर गिरी है। जैसे एक होता है ना दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो गिरोगे उस पर तुम खुद ही जाकर, तो कुछ ऐसा इस पर्सन के साथ हुआ है, तो वो भी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। चलिए देखते हैं और क्या चलता है इस पर्सन के मन में दिन रात, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स व्यूअर्स के पर्सन के मन में और क्या चलता रहता है दिन रात, गाइड कीजिए बताइए। द मून पाइसेस की एनर्जी है, तो बेसिकली देखो इनके मन में ये चीजें चलती रहती है कि मेरी जो भी अभी तक जिस भी चीज़ पे पकड़ थी ना वो पकड़ अब नहीं रही है, चाहे फिर वो आप पे हो, आपके साथ इनका जो भी रिश्ता हो उस पे हो, अपनी ज़िंदगी की पॉजिटिविटी को लेकर हो, कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करने को लेकर हो, कुछ भी एक्स वाई जेड। यानी कि ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में है या ऐसी सोच में इन्होंने अपने आप को घेर लिया है कि भाई देखो मेरा कॉन्फिडेंस अब ज़ीरो हो गया है, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता या कर सकती, तो वो सोच इन्होंने बना रखी है। ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि ये पर्सन ना अपनी परछाई से भी डर के भाग रहे हो, परछाई को लेकर भी कंफ्यूज्ड हो रहे हो कि ये मेरी ही है या किसी और की है। ठीक है, यहाँ पर ये भी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन के साथ ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये कुछ चीज़ों को कन्फ्रंट नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों का सामना नहीं करना चाह रहे हैं। एज एन कहीं पर इनसे गलती हुई है तो ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, और उसी रीज़न की वजह से अपनी ज़िंदगी में कन्फ्यूज़न, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों को ये पर्सन अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये मुझे यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, लेट गो के मामले में गाइड कीजिए बताइए क्या चलता रहता है व्यूअर्स के पर्सन के मन में दिन रात, यूनिवर्स गाइड कीजिए बताइए। फोर ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि है ये। ठीक है, देखो बेसिकली इस पर्सन ने डेफिनेटली बहुत गलतियां कर ली हैं, इस पर्सन ने बहुत सारे ऐसे एक्शंस लिए हैं पास्ट में जिनका असर अब इस पर्सन की ज़िंदगी पे अब पड़ रहा है।
ठीक है, जिस चीज़ को लेकर ये पर्सन बेचैन रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, और इनके साथ अब ये हो रहा है कि ये उस चीज़ में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि इंसान जब गलत फैसले ले लेता है या ले लेती है, या कुछ ऐसा इन्होंने छोड़ दिया अपनी ज़िंदगी में, इन्होंने कुछ ऐसा छोड़ दिया जिसका पश्चाताप इन्हें अब हो रहा है। ठीक है, और उसके बारे में ये दिन रात सोचते रहते हैं, और जितना सोचते हैं उतना ज़्यादा मन में इनके बेचैनी रहती है। तो मुझे यहाँ पर देखो पॉसिबिलिटी ये दिख रही है कि पास्ट में इसी पर्सन ने आपको लेट गो करा था, इन्होंने ही आपसे दूर जाने का फैसला लिया था, और अब वो फैसला इन्हें बेचैन कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, इन्हें परेशान कर रहा है कि उस वक्त भी इन्होंने गलत फैसला ले लिया, गलती खा ली है। तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इनके मन में ये चीज़ें परेशान करती रहती हैं इन्हें, कि इन्हें अब आपसे बात करनी चाहिए, इन्हें आपकी तरफ मूव करना चाहिए, लेकिन इस पर्सन के अंदर वो कॉन्फिडेंस मर चुका है। इस पर्सन की ज़िंदगी में इतना स्ट्रेस हो गया, इतने नेगेटिव हो गए हैं, इन्हें ये लगता है कि अभी आपसे बात भी करते हैं तो अल्टीमेटली उसका कोई कंक्लूज़न नहीं निकलेगा, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, उसमें कुछ बेहतर नहीं होगा। तो वो चीज़ें भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। तो ये भी यहाँ पर काफ़ी क्लियरली है, दिन रात जिसके बारे में ये सोचते भी रहते हैं और उसको लेकर ये डिस्टर्ब भी रहते हैं। बेसिकली मुझे यहाँ पर इस पर्सन के डिस्टर्बेंस की वजह ये भी दिख रही है कि स्टेप बैक करना तो चाह रहे हैं आपसे, लेकिन इन्हें ना अब कुछ उम्मीद नहीं दिख पा रही है। ठीक है, कंडीशनिंग को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में क्या चलता रहता है इस पर्सन के मन में दिन रात। द लवर्स, पॉसिबिलिटी है जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, आप एक ट्विन फ्लेम एंड सोल में जर्नी में हैं, इसीलिए इतनी कंडीशंस, इतना ब्रेकअप, इतनी सिचुएशन अनकंट्रोल्ड हो गई है आपकी, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। देखिए, इनके मन में दिन रात इस चीज़ का दुख तो रहता है कि इन्होंने आपको, आपके प्यार को, आपके साथ के कनेक्शन को खो दिया, और उसकी वजह उसकी जिम्मेदारी खो दें। पॉसिबिलिटी मुझे काफ़ी लोगों के केस में दिख रही है कि इस पर्सन की साइड से आपकी तरफ किसी तरह की ऐसी शर्त आई है, किसी तरह की ऐसी कंडीशन आई है जो आपके लिए मान पाना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो गया था। जैसे हो सकता है कि ये आपके साथ रिश्ते को बस दोस्ती तक रखना चाह रहे हो, या पॉसिबिलिटी है कि और रिलेशनशिप में हैं और आपको भी अपने साथ रखना चाह रहे हो, या फिर पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसी शर्त इन्होंने रखी जो आपके लिए डेफिनेटली बहुत इम्पॉसिबल हो गई थी उस वक्त पे। डेफिनेटली इस पर्सन ने वो शर्त, वो कंडीशन आपके सामने रखी, और आपने जब उस शर्त को ना मानने का फैसला लिया और चीज़ें जैसे हो रही थी उन्हें उन्हीं हालातों पे आपने छोड़ दिया, तो इस पर्सन को ना उन चीज़ों का अफसोस हो रहा है। ठीक है, जो दिन रात इन्हें परेशान करती हैं, असंतुष्ट करती हैं। ठीक है, एज एन की मन में ये चीज़ें चलती हैं कि इन्होंने आपसे क्या मांगा था, इन्होंने सिर्फ आपसे ये मांगा था, बदले में साथ ही तो मांग रहे थे, बदले में इस तरह से साथ मांग रहे थे। तो इन्हें ना बेसिकली ये ज़्यादा लग रहा है दिन रात जिसके बारे में सोच रहे हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं करा, मैंने जो शर्त रखी या जो कंडीशन रखी वो आपको मानना चाहिए था, अगर आप वो मान लेते तो डेफिनेटली आप लोग दूर नहीं होते, आप लोगों का कनेक्शन नहीं टूटता और ये इतने परेशान नहीं होते। तो देखो मुझे किसी पॉइंट पर यहाँ पर ये लग रहा है कि ये पर्सन अभी भी जैसे अपनी गलतियों का पिटारा आपके कंधे पर रखना चाह रहे हो, तो वो चीज़ें इन्हें डिस्टर्ब कर रही हैं, और हालांकि ये चीज़ें उन्हें अंदर से परेशान कर रही है कि नहीं ये गलती आपकी नहीं है, इनकी है, लेकिन कोशिश ज़रूर से कर रहे हैं क्योंकि ये अपने आप को विक्टिम मान रहे हैं। तो वो मुझे यहाँ पर आज की इस रीडिंग में दिखा। द सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए, हो सकता है रीडिंग बहुत कम लोगों से रिलेट करे, लेकिन जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है मैं सिर्फ आपको वही क्लियर कर रही हूँ। सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में दिन रात क्या चलता है। देखो यहाँ पर आपके दो कार्ड्स आए हैं, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द एम्परर। देखो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ये जो शर्त वाली चीज़ें आई हैं, कंडीशन वाली चीज़ आई है, किसी एम्परर के माध्यम से आई है। एज एन हो सकता है ये खुद अपने आप को एम्परर मानते हों, ठीक है, आपको बहुत कम तवज्जो दे रहे हों, या पॉसिबिलिटी है कि इनके ऊपर कोई ऐसा पर्सन है जो अपने आप को एम्परर मान रहे थे एक वक्त पे, और जिन्होंने ये शर्त आप दोनों के सामने रखी,
ठीक है, जनरल रीडिंग है तो ऑब्वियसली हर बात नहीं रिलेट कर सकती है, लेकिन मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि बेसिकली देखो कुछ तो गलती इस पर्सन की साइड से थी कनेक्शन में, चीज़ों को ख़राब करने के मामले में, और कुछ यहाँ पर किसी और के थ्रू भी ये चीज़ें करी गई हैं, इस कनेक्शन को ख़राब करा गया है, जैसे ट्रेडिशंस, कास्ट, परंपरा, तो इन सब चीज़ों में आपके पर्सन ने अगर इनका साथ नहीं दिया होता तो डेफिनेटली इतनी चीज़ें ख़राब नहीं हुई होती। अब इनके मन में दिन रात ये चीज़ें चलती हैं कि बेसिकली डेफिनेटली मेरी ज़िंदगी में अब बुरा वक्त चल रहा है, बुरा फेज चल रहा है, बैड लक चल रहा है, ठीक है, और अब जो भी होगा वो बस मिरेकल के थ्रू ही होगा, उसके अलग और कुछ नहीं होने वाला। जैसे कहते हैं ना, बस जो भी करेंगे भगवान करेंगे, तो वो चीज़ें इनके मन में दिन रात चलती हैं। एज एन जैसे यहाँ पर भी गिव अप कर रहे हो कि भाई पहले भी गिव अप करा, अभी भी गिव अप वाली ही एनर्जी है कि भाई जो भी करेंगे भगवान करेंगे, मेरे हाथ अभी कुछ भी नहीं है, तो वो चीज़ें ये दिन रात सोचते रहते हैं, ठीक है। या अगर आप लोगों के केस में कोई एम्परर हैं, फादर फिगर या ब्रदर या फिर कोई भी मतलब मेल फिगर है यहाँ पे, तो वो करेंगे, ठीक है, ये कुछ नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें इनके मन में दिन रात चलती हैं। स्ट्रेस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में एनर्जीज, नाइन ऑफ सोर्स एंड ओवरऑल एनर्जी है आपका द लव, अगेन ये सोलमेट की एनर्जी को ही बता रहा है। देखो यहाँ पर ये काफ़ी क्लियरली है कि इस पर्सन का माइंड इस तरह से सेट हुआ हुआ है जो दिन रात इनके मन पे, इनके दिल पे, दिमाग पे असर डाल रहा है कि मैं विक्टिम हूँ, मेरी ज़िंदगी में ही दर्द है, मेरी ज़िंदगी में ही सब चीज़ें खराब चल रही हैं, और किसी का कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है, किसी की लाइफ में बुरा नहीं हो रहा है, ठीक है, वो चीज़ें इनके मन में दिन रात चल रही हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में प्यार शायद है ही नहीं, मेरी किस्मत में कोई ऐसा पर्सन था ही नहीं, तो वो चीज़ों को लेकर भी ये पर्सन काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। एज इन की जब रास्ते बंद हो गए तो कहाँ से होगा, सब चीज़ें कहाँ से होंगी, तो एकदम होपलेस, हेल्पलेस हो रहे हैं बजाय एक्शंस लेने के, तो ये यहाँ पर मुझे इस पर्सन की एनर्जीज दिख रही है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मन में दिन रात और क्या चल रहा है इनको लेकर, गाइड कीजिए। हील्ड एंड हेल्पलेस, तो देखिए ये चीज़ें ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि एकदम हेल्पलेस हैं, एकदम लाचार हैं, तो वो चीज़ें दिन रात ये सोच रहे हैं, और इनके मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि शायद ये अपनी ज़िंदगी में अब उस मुकाम तक पहुंच गए हैं जहां पर ये हील हो नहीं सकते हैं, या इनके रिश्ते हील नहीं हो सकते हैं, तो वो चीज़ें भी इनके मन में चल रही हैं, यानी कि आप लोगों के कनेक्शन में जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं उस मामले में ये अपने आप को हेल्पलेस मान रहे हैं कि ये इस कनेक्शन को अब वापस से हील नहीं कर पाएंगे, तो वो चीज़ें भी इन्हें बहुत परेशान कर रही हैं, ठीक है। चेंज, इनकी ज़िंदगी में मूवमेंट आए, इनकी ज़िंदगी में बदलाव आए, लेकिन उस तरह से नहीं आए जिस तरह से ये चाह रहे थे, क्योंकि आपने यहाँ पर चीज़ें इनके मुताबिक नहीं करी हैं, तो वो चीज़ें भी इन्हें ना काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। यहाँ पर ये है कन्फ्यूज्ड फेस से आया है, जो यहाँ पे भी आया था, बहुत कन्फ्यूज्ड ये पर्सन रहने लगे हैं, एज एन जैसे होता है ना कि क्या होगा, कैसे होगा, कैसे चीज़ें सही होंगी, तो कन्फ्यूज्ड ये पर्सन ज़्यादा रहते हैं, ये भी यहाँ पे है। इवन इन्हें ये भी नहीं पता होगा कि अब तुम क्या चाह रहे हो, ठीक है। कंट्रोल, यहाँ पर कंट्रोल करा जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर कोशिश करी गई थी कि आप ही कंट्रोल में रहो, चाहे अपने पर्सन के या कोई और जो फादर फिगर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इश्यूज थे, और इसी रीज़न की वजह से ज़्यादा कंट्रोल करने के चक्कर में वो रस्सी, वो डोर ही टूट गई है, तो वो यहाँ पर है, और इनके मन में ये चीज़ें चल रही हैं जो मैंने आपको बोला कि अब कुछ भी कंट्रोल में नहीं रहा, पहले तो आप थोड़े बहुत इनके कंट्रोल में रहा करते थे, अब तो वो भी इनके हाथों से निकल गया है, तो वो चीज़ें इनके मन में दिन रात चल रही हैं जो डिस्टर्ब करती हैं इन्हें। हार्ट ब्रेक, दिल इनका डेफिनेटली बिल्कुल टूट गया है, टूटा हुआ फील करते हैं ये अपने आप को। कोडिपेंडेंसी, यहाँ पर
आपके पर्सन यहाँ पर या तो डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, ठीक है, अपने परिवार के ऊपर, या फिर इनके ऊपर किसी की जिम्मेदारी है, यानी कि डिपेंडेंसी यहाँ पर है, जिस रीजन की वजह से भी ये पर्सन एकदम लाचार हैं, ऐसा ये मान रहे हैं कि ये अगर मेरे ऊपर ये जिम्मेदारियाँ नहीं होती तो मैं कब का यहाँ से निकल गया या होती निकल गई होती। हीलिंग, डेफिनेटली इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है, इन्हें ये खुद समझ में आ रहा है, ऐसे ये दिन रात सोचते भी होंगे। फादर फिगर, देखो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंट्यूटिवली भी लग रहा था, यहाँ पे कोई फादर फिगर है, चाहे ब्रदर हो चाहे कोई गुरु ही क्यों ना हो, ठीक है, उन्हें भी फादर का दर्जा ही दिया जाता है, तो यहाँ पे कोई फादर फिगर है जो बेसिकली यहाँ पे शर्त बनाए हुए बैठे हैं, ट्रेडिशंस, कास्ट, डिफरेंसेस के नाम की ही हो, आप इनकी फैमिली के कंट्रोल में रहो, किसी भी तरह की कंडीशन आपको डेफिनेटली पता होगा, और जो भी कंडीशन है उस वक्त पे इन्होंने उस कंडीशन को फॉलो करा, फैसला लिया, लेकिन अब इन्हें वो कंडीशन खुद डिस्टर्ब कर रही है, खुद रातों की नींदें इनकी ख़राब कर रही है, और इनके साथ ही हो रहा है, उसका ब्लेम आप पे डाल रहे हैं कि आपने क्यों नहीं मानी वो शर्त, बजाय उसके कि नहीं ये शर्त ही नहीं होनी चाहिए थी, ये आप पे ब्लेम लगा रहे हैं ताकि अपने आप को थोड़ा सा मन से ये हल्का कर सके, लेकिन ऑब्वियसली जमीर इनका जानता है कि नहीं गलती आपकी नहीं है, तो वो चीज़ें इन्हें डिस्टर्ब कर रही हैं, कहानी सारी यहाँ पे है। चलिए मेजर अरकाना से मैं ये देख लेती हूँ क्या ये सिचुएशंस का रिजॉल्व होने की कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं, क्या आपके पर्सन इससे बाहर निकलेंगे या नहीं, यूनिवर्स गाइड कीजिए बताइए, क्या व्यूअर्स के पर्सन इससे बाहर निकलेंगे या नहीं गाइड कीजिए बताइए। द चैरियट, गाइड कीजिए बताइए। देखिए ये चैरियट का कार्ड मूवमेंट को बताता है, जी हाँ आपके पर्सन इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे। नेक्स्ट सवाल मुझे यहाँ पर ये दिखाई दिया, क्या निकलकर ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे या नहीं, क्या आप लोगों का यहाँ पे रीयूनियन होगा या नहीं, तो वो देखेंगे, गाइड कीजिए बताइए। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखो पॉसिबिलिटीज बताई जा रही हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून मे बी को दर्शाता है, ठीक है, और जैसे कर्मास क्रिएट करे हैं, जैसे एफर्ट करे हैं, वो उस वे में बताता है, एज इन कि जैसा करोगे वैसा मिलेगा, जैसा करा वो मिलेगा, तो मे बी की पॉसिबिलिटी बताई गई है कि पॉसिबिलिटी है कि इन सब के बाद ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, लेकिन मैं फिर भी एक कार्ड और निकाल रही हूँ, बताइए यूनिवर्स व्यूअर्स के पर्सन क्या वापस से व्यूअर्स के पास आएंगे इन सब के बाद। द फूल, फूल का कार्ड आपका नई शुरुआत को बताता है, न्यू बिगनिंग को बताता है, एंड यस को भी डिनोट करता है, जी हाँ पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है विद दिस द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड कि देखो वक्त लगेगा, जैसे कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता, वक्त बदलता है, आज उसके फेवर में है कल आपके फेवर में होगा, बस आपको उसी वक्त का इंतज़ार करना है, ठीक है। डेफिनेटली नई शुरुआत होगी, ये पर्सन इस एनर्जी से बाहर भी निकलेंगे, लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है, देखो जैसे 7 weeks इन्हें लग सकते हैं निकलने से, इस एनर्जी से बाहर निकलने में, और 10 weeks इन्हें लग सकते हैं आपकी तरफ बढ़ने में, तो ये मुझे यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो, अगर आपको क्लियरिटी मिलती है कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय बाय।